हमारे खुदावन की अंजील मुकदस लूका के मुताबिक उसका 6:12-19 उन दिनों में यीशु पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजार दी और जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुना जिनको उसने रसूल का लकब दिया यानी शमाउन जिसका नाम उसने पत्रस भी रखा उसका भाई इंद्रियास और याकूब और योहन्ना फेलबूस और बर्तलमाई मत्ती और थोमा और याकूब बिन हलफाई और शमाउन जो गयोर कहलाता है और यहूदा याकूब का भाई और यहूदा इस्करियोती जो पकड़वाने वाला होगा तब वो उनके साथ उतरकर मैदान में खड़ा हुआ और वहाँ उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और यहूदिया और यरूशलेम और सूरो सैदून के साहिल से लोगों का बड़ा हजूम था जो उसके सुनने और अपनी बीमारियों से शफा पाने के लिए आए थे और जो नापाक रूहों से सताए जाते थे वो बहाल किए जाते थे सब उसे छूने की कोशिश करते थे क्योंकि कुव्वत उससे निकलती थी जिससे सबको शफा हासिल होती थी। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत असीस मोमिनीन, साल के दौरान 23वें हफ्ते की मंगल की इबादत में शामिल हैं और आज की तलावत हम सबको दावा देती हैं कि हमेशा मसीह खुदावंद पर पुख्ता ईमान रखें। वो हमें बुलाता है ख़ास मकसद के लिए और हमें दावा देता है कि हम उसकी आवाज़ को सुनें। आज हमने इस बात पर गौर करना है, क्या मैं यीशु का शागिर्द बनने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं मसीह खुदावंद की आवाज़ को सुनता हूँ? क्या मैं मसीह खुदावंद की आवाज़ को पहचानता हूँ? क्या जब वो मुझे बुलाता है तो मैं उसके पीछे चलता हूँ और उसकी मर्ज़ी को पूरा करता हूँ? क्या मैं यीशु के लिए सब कुछ छोड़ता हूँ? क्या मैं यीशु की बात को अवलिया देता हूँ? तो आज की तलावतें हमें दावा देती हैं कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा और हम उसके रूह से धुल गए हैं, पाक हो गए हैं। उसने अपना खून बहाया है और अपनी मोहब्बत को हम पर जाहिर किया है। खून बहाकर उसने जान दी है, उसने हमें अपना बनाया है और उसने कीमत अदा की है हमारे गुनाहों की अपने खून से। अब हम उसके हो चुके हैं, उसने हमें पाक किया है और हम धुल चुके हैं उसके रूह से। हमें हमेशा खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करना है जो हमें प्यार करता है। ये उसकी मोहब्बत है कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा। और यूहन्ना की इंजील उसके 3:16 में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसकी मोहब्बत इस तरह की है कि उसने दुनिया के लिए लोगों के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि जो कोई भी उसकी सुनेगा, जो कोई भी उस पर ईमान लाएगा, जो कोई भी उसकी पैरवी करेगा, जो कोई भी उसका शागिर्द बनेगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। जो उस पर ईमान लाएगा, जो उसका शागिर्द बनेगा, जो उसकी पैरवी करेगा, जो उसकी बातों को सुनेगा। तो खुदा हमसे बात करता है, खुदा हमसे बात करता है, बोलता है। क्या हम उसकी आवाज़ को पहचान पाते हैं कि नहीं?
मसीह खुदा फरमाते हैं योना की झील में, मेरी बेड़े जो हैं मेरी आवाज़ को सुनती हैं, आवाज़ को पहचानती हैं, वो किसी और के पीछे नहीं बल्कि अच्छे चरवाहे के पीछे चलती हैं। तो क्या हम दुनिया की इतनी आवाज़ों में से यसू की आवाज़ पहचान पाते हैं? यसू की आवाज़ ऐसी है जो ज़िंदगी देती है, यसू की आवाज़ ऐसी है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई करती है, कि हम हमेशा हमें यसू की आवाज़ पहचान में मदद मिलती है, जो कहती है कि माफ़ करो, प्यार करो, रहम करो। तो यसू की आवाज़ हमेशा प्यार की दावा देती है, माफ़ करने की दावा देती है, कबूल करने की दावा देती है, रहम करने की दावा देती है। यसू की आवाज़ कि वो हमेशा दुश्मन से प्यार करने की भी नसीहत करता है, वो कहता है दुश्मन को भी प्यार करो, सिताने वालों के लिए दुआ करो, जो बुरा सोचते हैं उनका भला करो। ये है यसू की आवाज़ कि बदला नहीं लेना, नफरत नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना, गरूर नहीं रखना, ज़िंदगी में जो कुछ करना है वो दिल से करना है। यसू की आवाज़ ये है, जो कुछ करें दिल से करें, जो कुछ करें सादगी के साथ करें, और जो कुछ करें दूसरों के लिए करें। यह यसू की आवाज़, ये जो कुछ करना है वो दिल से करें, जो कुछ करना है वो सादगी से करें, और जो कुछ करना है दूसरों के लिए करें। यह है यसू की आवाज़। और हमें खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करना है कि उसने अपना खून बहाकर में ख़रीदा है, हम उसके रूह से धुल चुके हैं, हम पाक हो गए हैं। वो चाहता है कि हमेशा उसकी मर्ज़ी को पूरा करें। जब हम हक और सच्चाई की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, तो हम यसू की आवाज़ को सुनते हैं, उसके शागिर्द बनते हैं। आज की अंजील पाक में सुना कि मसीह खुदावंद ने अपने 12 शागिर्दों का चुनाव किया, शागिर्दों का बहुत से शागिर्द थे जो उसके पीछे चलते थे, मगर उनमें से उसने 12 का चुनाव किया। और इस बड़े फैसले के लिए लिखा है कि पहाड़ पर जाकर दुआ की, कितनी देर दुआ की, कितनी देर दुआ की, सारी रात उसने दुआ की, सारी रात दुआ में गुजारी। और लूका रसूल की झील में मसीह खुदावंद को बार बार दुआ करते हुए दिखाया गया है कि वो कोई भी काम करता है तो पहले दुआ करता है, काम से पहले और काम के बाद भी हमें दुआ करते हुए, यानी पहाड़ पर जाकर दुआ करता है, अलहदगी में दुआ करता है, शागिर्दों का चुनाव करने से पहले दुआ करता है। तो मसीह खुदा ने अपने शागिर्दों को भी दुआ करने की नसीहत की, और 18वें बाप में कि मसलसल दुआ कर हिम्मत ना हारें, यानी दुआ का पैगाम है इसमें, दुआ खुदा के साथ गुफ्तगू है और खुदा के साथ राबता है। जब हम किसी के साथ राबता नहीं ना करते तो क्या होता है, राबता ख़त्म हो जाता है। जब किसी से राबता नहीं करेंगे तो राबता ख़त्म हो जाएगा। तो राबते का ज़रिया क्या है, राबते का ज़रिया क्या है, वसीला क्या है, दुआ। दुआ जो है ये ज़रिया है, सोर्स है खुदा के साथ, दुआ गुफ्तगू है खुदा के साथ, गुफ्तगू करना, गुफ्तगू करना। और गुफ्तगू में क्या होता है, जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं तो क्या करते हैं, जब किसी से मुलाकात होती है, गुफ्तगू करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक आप बोलते हैं और दूसरा आप सुनते हैं। एक दफ़ा अपनी बात कह दी फिर बात को सुना जाता है। तो दुआ क्या है, गुफ्तगू, यानी जब आप अपने दिल की बात खुदा को बताते हैं दुआ में और फिर खामोशी में सुनते हैं कि खुदा का जवाब क्या है मेरे लिए, मैंने तो मांगा है खुदा से, अब खामोशी में मैंने सुननी है कि मुझे, मैंने अब उसकी सुनी है, मैंने अपनी तो सुना दिया गुफ्तगू में, क्या किया, अपनी सुना दिया, अब मैंने उसकी भी सुननी है। तो अक्सर हम अपनी सुनाते रहते हैं। दुआ क्या है, गुफ्तगू, सुननी भी है और सुनानी भी है। तो हम अक्सर अपनी सुनाते हैं, हमें उसकी भी सुननी है। तो जब आप दुआ करते हैं तो खुदा से मांगे भी और खामोशी में कहें, क्या खुदा मैं तेरी सुनने के लिए तैयार हूँ, बता मुझे क्या करना है और कैसे करना है। आप खुदा की आवाज़ को सुन पाएंगे, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बेहतर हो जाएगी ज़िंदगी। तो हमें हमेशा बात भी करनी है और बात को सुनना भी है, अपनी बात कहनी है और खुदा की बात को
सुनना है। और मसीह खुदावन ने सारी रात दुआ में गुजारी बड़ा फैसला करने के लिए। तो जिंदगी में बड़े बड़े फैसले करने के लिए क्या करना जरूरी है? दुआ। बड़े फैसले करने के लिए पहले दुआ में ठहरना है, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में टाइम निकालना है दुआ के लिए। काम नहीं खत्म होंगे मगर आपने उसी अपने रूटीन वर्क में से दुआ के लिए वक्त निकालना है। काम बड़े हैं, काम बहुत हैं, काम ख़त्म नहीं होंगे। आपने उस दिन में से वक्त निकालना है कि ये वक्त दुआ के लिए भी है। मैंने अपने कामों को करने के लिए खुदा से मदद भी तो मांगनी है, खुदा से मांगना भी है, रहनुमाई मांगनी है कि खुदा मैं कैसे कर सकूं ये काम। फैसले करने के लिए तो हमें जो है खुदा के सिर झुकना है ताकि हम अच्छा फैसला कर सकें। तो हर काम करने से पहले जिस तरह लोग घर में कहते हैं कि फादर जी बाबू जी आएँ दुआ करें, तो हम ये काम करने को हैं, घर लिया है इसको बरकत दें, ये काम शुरू करने लगे हैं पहले दुआ करते हैं। तो मकसद यही है कि ये काम शुरू करने से पहले दुआ करना ज़रूरी है। तो यीशु ने भी शिगिर्दों का चुनाव करने से पहले दुआ की। तो घर में भी कोई भी काम हो तो पहले दुआ करेंगे तो फिर काम करेंगे। काम के आगाज से पहले दुआ करनी ज़रूरी है, फैसला करने से पहले दुआ करनी ज़रूरी है, आगे बढ़ने से पहले दुआ करनी ज़रूरी है, ताकि आप आगे अकेले ना बढ़ें यीशु के साथ बढ़ें। आगे बढ़ेंगे तो अकेले नहीं होंगे, यीशु साथ होगा, क्योंकि दुआ कर ली है ना, यीशु को साथ ले लिया है, यीशु साथ चलेगा तो इस काम को बरकत मिलेगी, इस घर को बरकत मिलेगी, ज़िंदगी को बरकत मिलेगी। तो हम इस काम को शुरू करने से पहले दुआ करेंगे। तो यीशु ने भी सारी रात, और फिर थक जाते हैं, कितनी दुआ करें, थोड़ी भी करें, दिल से करें, और मसीह खुदावंद की जिंदगी को सारी रात दुआ में गुजारी, हम कितनी देर दुआ में गुजारते हैं। तो हमें हमेशा मुसलसल खुदा के साथ रबते में रहना है दुआ के ज़रिए। और दुआ जो है ये खुदा के साथ हमारा रूहानी रिश्ता मजबूत करता है, रबता है, रबता है। रबता रखेंगे तो रबता रहेगा, रबता रखेंगे तो रबता रहेगा, बरकत मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। किसी से भी आज के दौर में रबता ख़त्म कर दे तो रबता ख़त्म हो जाता है, बात नहीं करेंगे तो वो भी नहीं बात करेंगे। तो हमें रबते को कायम रखना है, रबता रहेगा तो बरकत रहेगी, ज़िंदगी रहेगी हमेशा खुदा के साथ। तो दुआ जो है ये खुदा के साथ रबता है। यूहन्ना की जिसके 15वें बाब में तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो हमें यीशु के साथ रहना है दुआ के ज़रिए, जुड़े रहना है दुआ के ज़रिए, ताकि बरकत पाते रहें। और यीशु मसीह ने अपने 12 शिगिर्दों का चुनाव किया, और लिखा है कि सबसे पहले उसने लिखा है उन 12 को चुना जिनको उसने रसूल का लकब दिया। ये शिगिर्दों को चुना और भेजे गए मिशन के लिए, भेजे गए कि आप जाएँ और यीशु के मिशन को पूरा करें, ज़िंदगी का मिशन, खुशखबरी फैलाएँ, ज़िंदगी बाँटें, ज़िंदगी की बातें करें। और इसके साथ साथ लिखा है कि उसने शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, सबसे पहले जो है पतरस का जिक्र आता है, उसको चुना गया। क्यों? ये पहला शिगिर्द है जिसको यीशु ने चुना, इसलिए भी क्योंकि ये दलेर था और बड़ा ही एक्टिव था, बड़ा एक्टिव था, भाग भाग के काम करता था, सुस्त नहीं था, बड़ा एक्टिव था, दलेरी दिखाता है हर काम में कि ये भी करूँ वो भी करूँ। जब मसीह खुदावंद को पानियों पर चलते देखा, इसने कहा खुदावंद मुझे हुक्म दे कि मैं भी तेरे पास हूँ, यानी हर काम करने में पहल करता है, सुस्त नहीं है, काम करने पहल करने कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, दलेर एक्टिव है। इसलिए इसको सबसे पहले चुना कि ये आदमी जो है बड़ा दलेर है और एक्टिव है, एक्टिव है, इसलिए यीशु मसीह ने पहले चुना हर काम करने के लिए। क्या खुदा मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूँगा, माफ़ी भी मांगी, पहल की इसने, हर काम करने में ये पहल करता है, हर काम करने में। तो ये बड़ा एक्टिव था, खुदा जो कुछ करना चाहता है खुदा उसकी और मदद करता है, और मदद करता है। ये दलेर एक्टिव मजबूत, और जो है इसमें खूबियां थी आगे बढ़ने की, और इसको सबसे पहले जो है चुना गया कि मेरे पीछे वाले। इसने क्या किया जब आवाज़ आ गई कि मेरे पीछे वाले, यानी जो मैं कहूँ वो कर, इसने सब कुछ छोड़ दिया, उसने कहा ये काम बाद में, यीशु के काम पहले, जो वो कहता है वो करूँगा। खुदा की मर्ज़ी को अवलियत दी, खुदा क्या चाहता है उसको अवलियत दी कि अपने काम बाद में, ये काम बाद में करेंगे, यीशु के काम पहले करूँगा, इसलिए इसे पहले चुना गया। यीशु ने कहा है पहले किया,
ऐ खुदावंद सारी रात मेहनत की मगर तेरे कहने पर फिर जाल डालता हूँ। यीशु के कहने पर जाल डाला और बहुत ज़्यादा मछलियाँ जाल में आ गई, यानी बहुत बड़े बड़े मौजज़े भी देखता है। और यीशु के साथ साथ था, जब यीशु ने बड़े बड़े मौजज़े किए तो पतरस साथ था, इसलिए पतरस जो था दलेर होने की वजह से, ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से इसे सबसे पहले चुना गया ताकि ये जो है उसको बरकत मिली। और इसी तरह ये मत्ती रसूल उसके सोल में बाप में इकरार करता है जब मसीह खुदा पूछता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं और तुम मुझे क्या कहते हो, इसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा, ये इकरार करता है सबसे बढ़कर, यानी हर बात में पहल करता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। फिर इस तरह बहुत से शिगिर्द यीशु को छोड़ गए और यीशु ने कहा क्या तुम भी जाना चाहते हो, तो पतरस ने कहा ऐ खुदा हम किसके पास जाएँ, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, जिंदगी की बातें थे कलाम की बातें, जिंदगी की बातें तेरे पास हैं, कहाँ जाएं। इसलिए पत्र जो था बहुत दलेर था, मजबूत था और इसके साथ एक्टिव था, इसलिए सबसे पहले इसका चुनाव और खुदा ने इसे इख्तियार दिया। और पत्रस पहला पोप है, बाकी जो पोप हैं इसकी गद्दी पर बैठते हैं, बहुत बड़ी इसे बरकत दी गई है पहला पोप। तो ये पहला शिगिर्द जिसको यीशु ने चुना, इसके बाद बाकी शिगिर्द जो थे उनका चुनाव हुआ और जो थे सब कुछ छोड़कर अपने कारोबार छोड़ दिए, घर बार छोड़ दिया, वतन देश छोड़ दिया, खुदा के पीछे चल पड़े कि यीशु मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा, यीशु पास होगा तो सब कुछ पास होगा, उन्होंने सब कुछ होकर यीशु। इसलिए हमारी ज़िंदगी में भी तो यीशु पास है तो सब कुछ पास है, तो हम पहले उसकी सुने और उसके पीछे चलें। हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी को अवलेत देनी है। इसके साथ साथ बेशुमार लोग जो हैं यीशु के पास आते थे मुख्तलिफ़ गाँव से, शहरों से, क्योंकि जो कि उसको छूता था वो शिफा पाता था। यीशु के छूने से, जब लोग यीशु को छूते थे, छूने से क्या होता था, वो खुदा की कुव्वत का तजर्बा करते थे, उससे कुव्वत निकलती थी, तो वो छूने से शफा पा। तो हम यीशु को कहाँ छूते हैं, पाक यूक्रेस में छूते हैं, क्या खुदा जब मैं तुझे छूँगा तो मुझे भी बरकत देना ताकि मेरी ज़िंदगी बदले और मैं निजात पाऊँ, शफा पाऊँ ज़िंदगी में। बहुत सी बीमारियाँ हैं, बहुत सी परेशानियाँ हैं, इन सारी परेशानियों से निजात पा जाऊँ, सारी बीमारियों से, सारी परेशानियों से, सारी उलझनों से, सारी टेंशनों से, ऐ खुदा मैं निजात पाऊँ जब तुझे छूँ पाक यूक्रेस में तो मुझे बरकत देना। और लोग जितने छूते थे वो शफा पाते थे ईमान के साथ, जिस तरह 12 वर्ष की और जो बीमार थी ईमान के साथ यीशु को छुआ कि अगर यीशु को छूलूंगी तो शफा पा जाऊंगी, उसे शफा मिल गई। तो हम भी ईमान के साथ यीशु को छू लेंगे तो शफा पाएंगे। आए खुदावंद खुदा से फजल मांगें ताकि हमेशा अपनी ज़िंदगी में उसकी मर्ज़ी को अपनी दें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।